सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पूर्व राज्य मंत्री श्रीवास्तव के निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास राज्य मंत्री महेशचंद्र गुप्ता का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री महेशचंद्र गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में जो 3 दलों की सरकार बनी है वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि शिवसेना की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है और शिवसेना ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया है। जिले की नहीं लग रही है सड़क तो जो मैंने देखी है, वास्तव में इसकी हालत खराब है, लेकिन मेरी जानकारी में आया है ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है और बहुत जल्दी से जल्दी इस पर काम चालू हो जाएगा। पहले इसका वो चेंज होना था, अब वो चेंज भी हो गया है और काम इस पर बहुत जल्दी से चालू। जिले में जितनी गौशालाएं हैं बुरी तरीके से बदहाल हैं और गाय मर रही हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, इसको लेकर क्या किया? ये आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो मैं इस पर पूरा ध्यान दूंगा और ऐसी कोई जानकारी है तो आप मुझे बताएं। मंत्री जी, आज तीन पार्टियों की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है, क्या लग रहा है इसका भविष्य क्या होगा? ये जो 3 पार्टियों की सरकार है, कुछ देर आप इंतजार करिए, ये तीन की तरह चल लेगी, तीनों की तरह मतलब तीन दिशाओं में चली जाएगी सरकार और बहुत जल्दी उसका जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि शिवसेना का और भाजपा का जो तालमेल था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक किस्म से मैं कहता हूँ धोखा किया है और वहाँ की जनता के साथ भी, क्योंकि जिस दोनों ने एक समान विचारधारा एक बात पर चुनाव लड़ा था और वो कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ चली गई, ये ठीक नहीं रहा।